हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो का माध्यम से आज मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं तो दोस्तों वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल काफी नॉलेजबल होगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो का माध्यम से आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों अगर किसी कारणवश आपका यूएन नंबर आपके पास नहीं है और आप ऑनलाइन तरीका से आप अपना यूएन नंबर पता करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ किस प्रकार से ऑनलाइन तरीका से ही आप अपना यूएन नंबर पता करेंगे, इसका क्या प्रोसेस होता है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, फटाफट जान लेते हैं, सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपने फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर होगा, ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद सर्च बार में आपको टाइप करना है ईपीएफओ, उसके बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च कर देने के बाद नीचे यहाँ पे पहला ही वेबसाइट आपके पास नजर आता होगा, www.epfindia.gov.in। तो दोस्तों आपको पहला ही वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों पहला वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस खुलकर आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हैं काफी सारा यहाँ पे मेन्यू बना हुआ नजर आता होगा, लेकिन दोस्तों इसी मेन्यू में से आपके पास एक मेन्यू नजर आता होगा ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर का। तो दोस्तों आपको ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है, जिससे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पेज का मैं डायरेक्ट लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे सो लिंक पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको इस पेज तक डायरेक्टली डायरेक्ट कर देगा, काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से प्रोसेस बता देता हूँ किस प्रकार से आप ऑनलाइन तरीका से ही आप अपना यूएन नंबर पता करेंगे। उसके लिए आपको नीचे कर स्क्रॉल डाउन करते हुए अनर यहाँ पे देखिए आपके पास एक सेक्शन बना हुआ नजर आता होगा इम्पोर्टेंट लिंक का। उसी सेक्शन में दोस्तों नीचे यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन बना हुआ नजर आता होगा नो योर यूएन। ठीक है, तो सिंपल से आपको नो योर यूएन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे सो नो योर यूएन पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ डिटेल फिलअप करना होगा, उसके बाद ही आप अपना यूएन नंबर पता कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखिए नजर आता होगा मोबाइल नंबर का, तो जो भी दोस्तों आपका मोबाइल नंबर है यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको फिलअप कर देना है। ध्यान दीजिएगा वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना है, जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड और जो मोबाइल नंबर आपके पीएफ अकाउंट के साथ लिंक है वही मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिलअप करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन पे एक कैप्चा कोड नजर आता होगा, सेम कैप्चा कोड यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर नजर आता है रिक्वेस्ट ओटीपी, तो दोस्तों आपको रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। रिक्वेस्ट ओटीपी क्लिक कर देने के बाद फाइनली जो आपने मोबाइल नंबर फिलअप किया उस पर एक ओटीपी भेज दिया जाता है। ओटीपी भेज देने के बाद यहाँ पे देखिए आपके पास एक पॉपअप विंडो में एक अलर्ट आ जाता है। जल्दी से अलर्ट में देख सकते हैं यहाँ पे लिखा नजर आता है ओटीपी सेंड सक्सेसफुली। ठीक है, मोबाइल नंबर के यहाँ कुछ डिजिट शो होता होगा, उसके बाद यहाँ पे नीचे देखने नजर आता है ओके, तो दोस्तों आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक कर देने बाद जो भी आपने मोबाइल नंबर फिलअप किया उस पर जो ओटीपी गया है यहाँ पर ओटीपी आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद दोबारा से यहाँ पे जो स्क्रीन पे कैप्चर कोड नजर आता होगा सेम कैप्चर कोड यहाँ पे कैप्चर वाला सेक्शन में फिलअप कर देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर नजर आता है वैलिडेट ओटीपी, तो दोस्तों आपको वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। वैलिडेट ओटीपी क्लिक कर देने बाद फाइनली यहाँ पे ओटीपी वैलिडेट हो जाता है। जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे पॉपअप विंडो में एक अलर्ट आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा नजर आता है ओटीपी वैलिडेट सक्सेसफुली। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर नजर आता है ओके, तो दोस्तों ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों ओके पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस खुलकर आ जाता है, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ भी आपको कुछ डिटेल आपको फिलअप करना होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए नाम फिलअप करने के लिए बोला जाता है, तो जो भी दोस्तों आपके आधार कार्ड पे आपका नाम है जो एक्चुअल में आपका सही नाम है वो दोस्तों यहाँ पे नाम आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद दूसरा कॉलम में यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के लिए बोला जाता है, तो सिंपल सो यहाँ पे आपको सिलेक्ट डीओबी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कैलेंडर ओपन हो जाता है। उसके बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको मैनुअली तरीका सेलेक्ट कर लेना है, या तो फिर मैनुअली तरीका से आप फिल भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख सकते हैं यहाँ पर नजर आता होगा सेलेक्ट एनीवन, तो यहाँ पे दोस्तों तीन ऑप्शन आपके पास नजर आता होगा। जिस भी ऑप्शन के अनुसार आप अपना यूएन नंबर पता करना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि अगर आप अपना आधार कार्ड नंबर से अपना यूएन नंबर पता करना चाहते हैं तो सिंपल से यहाँ पे आपको आधार सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी आपका आधार नंबर है यहाँ पे आपको आधार नंबर फिलअप कर देना है। ठीक है, अगर आप अपना पैन कार्ड नंबर से अपना यूएन नंबर पता करना चाहते हैं उसके लिए सिंपल से आपको पैन यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी आपका 10 डिजिट का पैन नंबर होता है वो यहाँ पे आपको फिलअप कर देना होता है। ठीक है, या तो फिर अगर आप अपना मेंबर आईडी से अपना यूएन नंबर पता करना चाहते हैं उसके लिए मेंबर आईडी यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी आपका मेंबर आईडी वगैरह होता है यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। ठीक है, लेकिन जो सबसे इजी और सबसे आसान है वो आधार नंबर से ही है, इसके लिए मैं यहाँ पे आधार सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद जो भी आधार नंबर होगा उसे यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद स्क्रीन पर जो भी कैप्चर कोड नजर आता होगा सेम कैप्चर कोड यहाँ पे फिलअप कर देना है। पूरा डिटेल फिलअप कर देने के बाद नीचे देख सकते हैं यहाँ पर नजर आता है सो माय यूएन, तो दोस्तों आपको सो माय यूएन पे क्लिक कर देना है। जैसे सो माय यूएन पे क्लिक करते हैं, सो माय यूएन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपके पास एक अलर्ट शो हो जाता है, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, और अलर्ट में जो भी आपका यूएन नंबर होता है वो यहाँ पे शो हो जाता है। ठीक है, जो भी आपने डिटेल फिलअप किया जैसे कि आप अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर, या तो जो भी आपने पैन कार्ड नंबर से भी पता कर सकते हैं,
जो भी आपने डिटेल फिलअप किया उस डिटेल के साथ जो यूएन नंबर लिंक होता है वो यूएन नंबर स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे शो हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा नजर आता होगा योर यूएन इज आर, उसके बाद जो भी 12 डिजिट का यूएन नंबर होता है वो यहाँ पे नीचे नजर आ जाता है। ठीक है, तो सेम है अगर आपके पास भी आपका यूएन नंबर नहीं है तो दोस्तों जो मैंने आपको प्रोसेस बताया सेम प्रोसेस से आप अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आधार नंबर फिलअप करके फाइनली आप अपना यूएन नंबर पता कर सकते हैं। तो आशा करता हूं जो भी मैंने आपको जानकारी दी है इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। वीडियो भी आपको अच्छा लगा हो और अभी तक तो वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को फटाफट लाइक कर देना है। चैनल पर नए हिस्से का वीडियो पाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन मिलता है, इसको आपको क्लिक कर देना है। बेल घंटी भी दोस्तों आप लोगों को प्रेस कर देना है ताकि आने वाला हर नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।